गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोग के साथ आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेके, नॉट रिव्यू, सजेशन लेके। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आएगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नया हो तो सॉरी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। एंड नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को मेरा रिव्यूज़ वगैरह एंड मेकअप वगैरह की वीडियो देखनी कैसे लगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रिव्यू बक बक ना करते हुए। एंड तो गाइस आज मैं सीरम्स के रिव्यू करने वाली हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये गुड वाइब्स का सीरम है जो कि है विटामिन सी एंड विटामिन बी3 स्किन ग्लो सीरम 10 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी। एंड सेकंड वाले मैं दिखा दूँ गुड वाइब्स की है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं बस गुड वाइब्स की मेरे पास है तो मैं उसका रिव्यू करी, विंटर से रिलेटेड वीडियो है। ओके तो गाइस यहाँ पे गुड वाइब्स का लिकोरिस G10 सीरम है, 10 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है। आप लोग देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग है। सबका इंडिविजुअल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड होगा। ओके एंड गाइस यहाँ पे है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, ये देख सकते हो। ये तो काफ़ी फेमस है, आई गेस सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो गाइस ये तीनों सीरम्स के बारे में आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी विंटर स्टार्ट हो गया है एंड अगर आप चाहो तो विंटर में ये सीरम को यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा वाला सीरम है। एंड ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सबको चलेगा विंटर में, बिकॉज विंटर में सबकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए रोज हिप आपके लिए काफ़ी अच्छा वाला सीरम होने वाला है। एंड साथ ही ये जो सीरम है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, तीन सीरम्स में से अगर आपके पास ठंड में होनी चाहिए तो ये ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ये सीरम पसंद आएगा। बिकॉज ठंड में, विंटर में सबकी स्किन ड्राई ड्राई हो ही जाती है ठंडे ठंडे हवा के कारण। एंड मैंने इसको तब लिया था जब ये काफ़ी फेमस था, उस समय तो खैर गर्मी का मौसम था, बट फिर भी लाइक मेरी स्किन ऑयली थी, मैंने इसको लिया था। एक दो मेकअप लुक में भी यूज़ किया था बट ऑयली स्किन वाले इसको गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके एंड उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस इस विंटर में जो कि गुड वाइब्स का है लिकोरिस G10 सीरम। मैं ये नहीं बोलूँ कि बिल्कुल डीपली मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल ड्राई स्किन वालों को सूट करेगा, बट नॉर्मल जैसे हम जैसे जो स्किन होते हैं ऑयली उनको ये सूट कर जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज चेकआउट कीजिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो। एंड चैनल पे नया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी कैसी लगती है। एंड ये वाला मेकअप लुक ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो जिन लोगों ने चेकआउट नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। एंड कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद कैसी लगती है आप लोगों को मेरी ये वीडियो। एंड मैं बता देती हूँ ये सीरम, एंड ये सीरम आप ठंड में यूज़ कर सकते हो और आपके जो भी स्किन है उसके थोड़ी स्मूथनेस के लिए ये तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसको तो मैं इस बार ठंड में बस मेरा ख़त्म ही होने वाला है। एंड मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म है ये, आप लोग देख सकते हो इतनी क्वान्टिटी बची हुई है। वैसे इसके पैकेजिंग जिस तरह की ये दिखने वाली नहीं है, बहुत ही थिक टेक्सचर होता है इसका, मैं थोड़ी सी दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्लिसरीन है उस तरह का। तो ये बहुत ही अच्छा, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, ठंड के लिए, सबके लिए अच्छा है ये। इसलिए मैं आज इन सीरम का कलेक्शन लेके आई हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। विंटर में आपकी स्किन केयर के लिए सीरम ज़रूरी होता है बिकॉज वो आपकी स्किन 10 layer अंदर लाइक डीपली अंदर जाती है, जो कि हमारी स्किन के लिए ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई ऐसा मॉइस्चराइजर, कोई ऐसा सीरम जो हमारी स्किन के डीपली अंदर तक जाए, हमारी स्किन को बिल्कुल अंदर से नरिश करे, मॉइस्चराइज करे। ओके तो आप सीरम ज़रूर यूज़ किया करें, ऐसा नहीं कि सीरम यूज़ करो तो मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करोगे। सीरम के ऊपर से लाइक सीरम को लगा के 1 minute के लिए मसाज करिएगा, एंड 1 to 2 minutes जब वो आपकी स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप कोई भी लाइक यू नो मॉइस्चराइजर लगा सकते हो ऊपर से। लेकिन जो सीरम है वो बिल्कुल अंदर डीपली जाती है आपकी स्किन पर, इसलिए ठंड में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एंड ये तो अभी मेरा पूरा होगा, मैंने बस गर्मी के मौसम में थोड़ी बहुत यूज़ किया हुआ था और इसको मैंने अभी ठंड की स्टार्टिंग में यूज़ किया हुआ है बिकॉज मेरे पिंपल के दाग थे, तो विटामिन सी एंड B3 मेरे पिंपल के दाग को काफ़ी हद तक रिमूव करेगा। बड़े बड़े पिंपल हो गए थे यहाँ पे, अभी तो फिर नए वाले आए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था कंटिन्यू कम से कम 15 days के लिए। और प्रोडक्ट क्वान्टिटी भी अच्छी होती है, 2 to 3 बूंदें तो लगती है यार, लेकिन इसको आप ठंड में नहीं यूज़ कर सकते। लाइक यूज़ तो कर सकते हो लेकिन उसके ऊपर से आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करेगा बिल्कुल भी, बिकॉज वाटरी टेक्सचर है। मैंने इसका इंडिविजुअल रिव्यू देखा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ जाके देखिएगा। तो गाइस इसका लाइक वाटर की तरह टेक्सचर है, लाइक वाटर ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन विंटर में नहीं, बिकॉज विंटर में सबको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। खुद मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है लेकिन अभी विंटर में ड्राई हो रही है, तो अभी मैं इसको ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, कंटिन्यूसली रोज हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ जो कि ग्लो भी प्रोवाइड करता है एक अच्छा सा, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है गाइस जिसको आप गर्मियों में ही यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसका
वॉटरी टेक्सचर, बिल्कुल वॉटरी, ऐसा नहीं ठंड में यूज नहीं कर सकते हो, यूज कर सकते हो लेकिन मॉइस्चराइज नहीं करेगा आपको फेस को डीपली, समझ रहे हो, अंदर तक तो जाएगी लेकिन वो सॉफ्टनेस नहीं बनाएगी, लाइक समझ रहे हो आप मेरी बात को, जो हम लोग मॉइस्चराइजिंग के लिए भी करते हैं तो वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगी आपको, जो कि इसमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, इसलिए आज मैं ये सिरम कलेक्शन दिखा रही हूँ, बिकॉज आप क्या यूज़ कर सकते हो आपकी स्किन के लिए, ऑयली हो, ड्राई हो, कुछ भी हो, अभी आपको इसकी ज़रूरत है ज़्यादा। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप यही यूज़ करो, कहने का मतलब मेरा ये है कि मॉइस्चर की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से आप ऐसा सिरम यूज़ करो जिसमें मॉइस्चर हो, समझ रहे हो आप। तो ये तो काफ़ी फेमस सिरम था, आई गेस इसको सब लोग जानते होंगे, एंड मैंने इसको गर्मी में लिया था, ये वाला मेरे गुड वाइब्स का लिकोरिस डी टैन सिरम भी, जिसको मैंने टैनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए मैंने लिया था, तो इसका टेक्सचर भी स्मूथ सा है, ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, स्मूदी भी नहीं है, एंड नॉर्मल है, तो आप इसको ठंड में यूज़ कर सकते हो, चलेगा। बट मॉइस्चराइजर किसी भी चीज़, आप तीनों भी क्यों ना यूज़ कर लो, लेकिन मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लेकिन हाँ अगर ठंड के लिए चाहते हो तो आप इसको यूज़ करके मॉइस्चराइजर स्किप भी कर सकते हो अच्छी क्वांटिटी में, लाइक थ्री, हमने गर्मी में क्या 2 से 3 ड्रॉप लेते थे, तो ठंड में 3 से 6 ड्रॉप एंड मसाज उसके बाद, तो आप नॉर्मल ऐसा भी रह सकते हो। तो यही था गाइस आज मेरी आज की वीडियो, होप आप लोग को पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन के साथ प्लीज़ कमेंट आउट कर दीजिएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।